कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने कहा कि जिला कांगड़ा की निर्मल घोषित 103 पंचायतों की जांच होगी। इस संबंध में डीसी कांगड़ा को कहा गया है कि जांच करवाई जाए कि किन अधिकारियों ने निर्मल पंचायतों के लिए झूठा सर्टिफिकेट दिया है। शांता कुमार ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिला कांगड़ा की 103 पंचायतें कुछ साल पहले निर्मल पंचायतें घोषित हुई थी, उन्हें इसके लिए इनाम भी मिला था। हमने जब इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी तो मैंने सभी पंचायतों को पत्र लिखे, जिस पंचायत में 100% शौचालय हो वो सर्टिफिकेट दे। सर्टिफिकेट वीडियो से सत्यापित होना चाहिए। जो पंचायत सर्टिफिकेट भेजेगी उसे सांसद निधि से 1,00,000 रुपए और दिए जाएंगे। शांता कुमार ने हैरानी जताई कि पूरे जिला में मात्र 2 पंचायतों से ही सर्टिफिकेट मिले हैं। पर और मुझे इस बात की हैरानी है क्योंकि कांगड़ा जिला की 103 पंचायतें निर्मल पंचायतें घोषित हुई कुछ साल पहले, उनको कुछ 1,00,000 रुपए इनाम भी मिला और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति महोदय की तरफ से उनको सर्टिफिकेट निर्मल पंचायत का दिया गया। हमने जब इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी तो मैंने सभी पंचायतों को पत्र लिखा कि जिस पंचायत में 100% शौचालय हो जाए वो मुझे सर्टिफिकेट दे, लेकिन सर्टिफिकेट को सत्यापित करे BDO सच्चा सर्टिफिकेट हो। तो मैंने कहा कि जो पंचायत मुझे सर्टिफिकेट भेज देगी उसको सांसद दीदी का 1,00,000 रुपया मैं और दे दूंगा। लेकिन मुझे हैरानी है पूरे जिला से केवल 2 पंचायतों के सर्टिफिकेट मिले। शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से भी पूछा है कि वो 103 निर्मल पंचायतें कहाँ हैं जिन्हें निर्मल पंचायत घोषित किया गया है। शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने DC कांगड़ा को पत्र लिखा है कि इसकी जांच करवाई जाए, यह कोई साधारण बात नहीं है। राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट और एक भी पंचायत में 100% शौचालय नहीं। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत ने सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया उस पंचायत को मैंने 1,00,000 के बजाय 5,00,000 भी दिया है। तो मैंने ये पूछा है आज अधिकारियों से भी कि वो 103 निर्मल पंचायतें कहाँ है, इसका मतलब वो सारे का सारा फ्रॉड था, झूठ था। और मैंने कहा है DC महोदय को चिट्ठी लिखी है कि इसकी जांच की जाए कि किन अधिकारियों ने झूठा सर्टिफिकेट दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है, राष्ट्रपति महोदय का सर्टिफिकेट इनाम और उसमें से एक भी पंचायत 100% शौचालय नहीं है, बल्कि मुझे जो पंचायत सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया उसको 1,00,000 की बजाय 5,00,000 दे दिया। शांता कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि 103 पंचायतें निर्मल घोषित हुई है और एक भी पंचायत निर्मल नहीं है। उन्होंने DC से भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये सचमुच चिंता का विषय है कि इस किस्म की 103 पंचायतें निर्मल घोषित हुई और निर्मल है नहीं। इस समय तक मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकी कि वो निर्मल है। तो मैंने तो कहा DC महोदय को इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, बाकायदा। अगर कहीं ये समाचार राष्ट्रपति के यहाँ चला जाए तो उनको बहुत दुख होगा कि उनके नाम से धोखाधड़ी, इस 100% फ्रॉड, 100%। 30-40 पंचायतें तो आती मेरे पास कि अब निर्मल है, एक भी नहीं आई आज तक। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है इनएफिशिएंट भी है, करप्ट भी है, और हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। तो मैंने यही कहा कि इस बात की पूरी जांच करें कि वो निर्मल पंचायतें कैसे घोषित हुई, सर्टिफिकेट किसने दिया, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया उनको पूछा जाना चाहिए, बाकायदा जांच होनी चाहिए। बड़ा बड़ा गंभीर मामला है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।